Hello everyone, welcome to StudyIQ. In this video of StudyIQ, मैं 300 best जो question है दिसंबर के उसका भाग दो आप तक लेकर आऊंगा. भाग एक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है. भाग दो में मैं कवर करूंगा 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के बेस्ट 75 questions. जो पार्ट वन था उसमें मैंने फर्स्ट वीक के बेस्ट 75 कवर किए थे, तो आइए भाग दो को शुरू करते हैं. ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश और उच्चारण रहेगा हिंदी में. सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे. जीएसटी स्टेक होल्डर फीडबैक दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया गया. इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये होता है 9 दिसंबर को, हर बार 9 दिसंबर को मनाया जाता है ये. और इसका जो थीम था वो था यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, यानी करप्शन के खिलाफ हम सबको यूनाइट होना है. वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये होता है 10 दिसंबर को. इसका थीम था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स. उसके बाद 35वां सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर. इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, इसका थीम था माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ. और यहां पे आप देख सकते हैं दोनों के अंदर यूथ है, ह्यूमन राइट्स डे में भी यूथ और माउंटेन डे में भी यूथ. 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे. इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर, इसका थीम था कीप द प्रॉमिस, कीप द प्रॉमिस. और इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रैलिटी 12 दिसंबर. एक इंपॉर्टेंट डे और याद रखना है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर. कुछ इंपॉर्टेंट पीपल देखते हैं जिनकी डेथ हुई. ओडिशा के पूर्व मिनिस्टर भगवत प्रसाद मोहंती, इनकी डेथ हो गई. भगवत प्रसाद मोहंती ओडिशा के पॉलिटिशियन थे ये. शिकागो के एक गायक थे, रैपर जूस वर्ल्ड, इनकी डेथ हो गई. जूस वर्ल्ड अमेरिका के थे, शिकागो के. भारत के पूर्व टेबल टेनिस कोच भवानी मुखर्जी की डेथ हो गई. ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि वो भवानी मुखर्जी कौन से कोच थे, तो ये टेबल टेनिस के कोच थे. इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR के चेयरमैन बीबी कुमार की डेथ हो गई. ICSSR. यूएस फेडरल रिजर्व के पूर्व चीफ पॉल वॉल्कर की डेथ हो गई. पॉल वॉल्कर. मशहूर तेलुगु एक्टर गोलापड्डी मारुति राव, GM राव, इनकी डेथ हो गई. चलिए MCQs पर लौटते हैं. इंद्र एक्सरसाइज भारत और कौन से कंट्री के बीच में होगी. ये एक्सरसाइज हर साल होती है और ये तीन जगह पे होगी, क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों की एक्सरसाइज होती है और तीनों की अलग अलग जगह पे होती है. तो तीन लोकेशन है, एक तो पुणे, एक गोवा और एक बबीना. बबीना है झांसी, तो यहां तीनों जगह पे होगी, पुणे, गोवा और बबीना, झांसी. तो ये होती है हमारी एक्सरसाइज रशिया के साथ. तो आंसर है रशिया. ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत क्लाइमेट की वजह से एडवर्सली अफेक्टेड कंट्रीज में कौन से नंबर पे था. यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान हो रहा है और दुनिया में भारत 5वां सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज की वजह से. सो आंसर है 5th. अगर पूछे पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्लाइमेट रिस्क सबसे ज्यादा है जहां, पहले नंबर पे है जापान, दूसरे नंबर पे है फिलीपींस, तीसरे नंबर पे है जर्मनी, चौथे नंबर पे है मादागास्कर और पांचवें नंबर पे है इंडिया. 2019 नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट, ये कहां पे हुआ. नेटो समिट इस बार हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, यूके में हुआ था नेटो समिट. नेटो का हेडक्वार्टर कहां पे है. नेटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है. इस मीटिंग को होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, बोरिस जॉनसन. अवंती मेगा फूड पार्क, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में खुला है. मेगा फूड पार्क जो होते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, और हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है बठिंडा. ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में खुला है. सो आंसर है देवास.
और हिमाचल प्रदेश का पहला फूड पार्क खुला था हूना में, ऊना डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खुला था? सतारा में। गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क खुला था? सूरत में। तो ये याद रखने हैं आपको, आप कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे फूड पार्क खुले हैं। और तेलंगाना का भी याद रखिए, तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क खुला है निजामाबाद में। हिमाचल प्रदेश का ऊना, महाराष्ट्र का सतारा, गुजरात का सूरत और तेलंगाना का निजामाबाद। इनमें से कौन सी भाषा है जो राज्यसभा में पहली बार बोली गई? ये लैंग्वेज पहली बार राज्यसभा में यूज की गई 6 दिसंबर 2019 को। और आपको यह भी याद रखना है कि ये भाषा बोली किसने। ये भाषा है संथाली भाषा। संथाली भाषा भारत की पहली भाषा है जिसका अपना पहली ट्राइबल भाषा है, जनजातीय भाषा, जिसका अपना विकिपीडिया पेज है, जिसका अपना खुद का विकिपीडिया संस्करण है। ये ऐसी पहली ट्राइबल लैंग्वेज है इंडिया की। और संथाली भाषा लिखी किस स्क्रिप्ट में जाती है, उसको बोलते हैं ओल चिक्की स्क्रिप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, SCRIPT। जैसे पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है, हिंदी और संस्कृत की देवनागरी स्क्रिप्ट है, ऐसे ही संथाली भाषा के स्क्रिप्ट को बोलते हैं ओल चिक्की स्क्रिप्ट। और ओल चिक्की स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की थी? इन व्यक्ति का नाम है रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू। तो संथाली भाषा है ये। और एक बात और याद रखिए यहां पे, ये लैंग्वेज बोली किसने राज्यसभा में? राज्यसभा को ऊपरी सदन भी बोलते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को बोलते हैं निचला सदन यानी लोअर हाउस। तो ये भाषा को जिस व्यक्ति ने बोली वो बीजू जनता दल पार्टी के नेता हैं, बीजू जनता दल, और उनका नाम है सरोजनी हेम्ब्रम। सरोजनी हेम्ब्रम, HEMBRAM, ये भी याद रखिए। अभी अभी किसने किताब लिखी है द वॉल्ट ऑफ विष्णु, विष्णु भगवान की तिजोरी। वॉल्ट मतलब एक ऐसी चीज जो खुले ना आसानी से, जैसे कि तिजोरी। ये लिखी है अश्विन संघी, अश्विन संघी। इनमें से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन कौन बना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले अशोक चावला थे, आपको याद होगा, लेकिन अब बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो CBSE अब कक्षा 8, 9 और 10 में पढ़ाएगी? इनमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ये बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। ये सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने सन 2020 को डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका इनॉग्रेशन कहां किया गया? सरई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेशन हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और ये इनॉग्रेशन किसने किया? ये इनॉग्रेशन किया स्वीडन के राजा और रानी जो भारत आए थे, यानी किंग राजा कार्ल गुस्ताफ, किंग कार्ल गुस्ताफ और रानी सिल्विया, इन्होंने इनॉग्रेशन किया उत्तराखंड में जाकर, याद रखिए। और ये बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट के काम आएगा, गंगा को साफ रखेगा और ज्यादा। और उत्तराखंड के बारे में आपको 3-4 चीजें और बता देता हूं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 2 स्कीम स्टार्ट की हुई है नई। एक तो है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। दाल पोषित योजना में जो गरीब लोग हैं उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडाइज दाल मिलेगी, जिससे वो प्रोटीन ले सकें और मेल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो। दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसके अलावा ऊर्जागिरी अभियान, ऊर्जागिरी कैंपेन स्टार्ट किया था उत्तराखंड ने, जिससे बिजली की चोरी को रोका जा सके, पावर थेफ्ट को रोका जा सके, ऊर्जागिरी कैंपेन। उत्तराखंड में दुनिया का पहला मुस्लिम योगा कैंप लगा है। इस योगा कैंप को सिर्फ मुस्लिम्स ने अटेंड किया और यह लगा था कोटद्वार में, कोटद्वार उत्तराखंड। एशिया का पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन ये भी उत्तराखंड में खुला है, रुद्रप्रयाग में खुला है ये, एशिया का पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन। और उत्तराखंड को जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे अभी अभी, उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला, यानी फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे अच्छा जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है जिसे नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज मिला है? यानी कहने का मतलब, जो दिव्यांग लोग हैं उनको मुख्य धारा से दोबारा जोड़ने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से राज्य को मिला है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में क्या आप बता सकते हैं कौन से जानवर के संरक्षण के लिए, कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंटर बना है?
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। यूपी ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है ई गन्ना, और कन्या सुमंगल योजना भी यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ तीन टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कैपिटल है यहाँ की लखनऊ। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो होगा, डिफेंस एक्सपो होगा 2020, और लखनऊ का एक स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। यहाँ पे 55,000 बच्चे लगभग पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक मुंडेरवा चीनी की मिल है जिसका इनॉग्रेशन किया गया, और गोरखपुर में यूपी का अभी अभी 2G इथेनॉल प्लांट लगा है। गोरखपुर में 2G इथेनॉल प्लांट लगा है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये कौन से स्पीशीज को बचाने के लिए स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने? यह किया है नेवले को बचाने के लिए, यानी मंगूस को बचाने के लिए, क्योंकि मंगूस के जो हेयर होते हैं उनसे ड्राइंग के या पेंटिंग के जो ब्रश हैं वो बनाए जाते हैं। जो आप ब्रश कर जो यूज़ करते हो तस्वीर पेंट करने के लिए, उसमें जो बाल होते हैं वो मंगूस के होते हैं, इसलिए मंगूस को मार दिया जाता है। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट स्टार्ट किया गया है जिससे हम हमारी कला को, फाइन आर्ट को, फाइन आर्ट्स जो है उसे क्लीन कर सकें और मंगूस को बचा सकें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपको कितना पैसा चाहिए? अब पहले चाहिए होता था 100 करोड़, लेकिन अब चाहिए 200 करोड़। और ऑन टैप का मतलब यह है कि आपको अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आप पूरे 365 दिन कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑन टैप फैसिलिटी। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसे अब RBI ने अपने सेकंड शेड्यूल में डाल दिया है, यानी अब यह शेड्यूल्ड बैंक हो गया है। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब यह है कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर रहा है। अभी अभी अनाउंस हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब पेमेंट बैंक से बन जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है या यूनियन टेरिटरी की सरकार है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में अब बच्चों को पढ़ाएगी? तो एक स्पेशल बुक कोर्स में डाल दी गई है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जीवन डिटेल में पढ़ाया जाएगा एक सब्जेक्ट की तरह। ये करा है अभी अभी दिल्ली की गवर्नमेंट ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने किया है। और आपको बता दूं 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर की डेथ हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिया ने कौन से कंट्री को लोन दिया है 50 करोड़ अमरीकी डॉलर, यानी $500 मिलियन, जिससे वो हथियार खरीद सकें? तो भारत ने ये लोन दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को ये लोन मिला है इंडिया की तरफ से, और इंडिया ने श्रीलंका को दिया है $400 मिलियन का लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि जो NEFT पेमेंट होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अब 24/7 हो सकता है। तो कौन सी तारीख से ये लागू हो जाएगा? याद रखिए 16 दिसंबर से NEFT को आप किसी भी समय कर सकते हैं, 24/7 आप इसे कर सकते हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत का जो 5500वां रेलवे स्टेशन बना, 5500, जहां पे फ्री वाईफाई दिया गया है? यह रेलवे स्टेशन है झारखंड का महुआ मिलन रेलवे स्टेशन, महुआ मिलन। अगर पूछे सबसे पहला कौन सा था तो 2016 में था मुंबई सेंट्रल, ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन था जहां पे फ्री वाईफाई दिया गया था। 1000वां कौन सा था? 1000वां था मुंबई का राय रोड रेलवे स्टेशन। 2000वां कौन सा था? राणा प्रताप स्टेशन, जो अजमेर डिवीजन में आता है राजस्थान में, राणा प्रताप रेलवे स्टेशन। 3000वां स्टेशन था सिरसा का एलनाबाद रेलवे स्टेशन, जो बीकानेर डिवीजन में आता है। 4000वां रेलवे स्टेशन था तिनसुकिया, जो असम का है। और 5000वां मिदनापुर वेस्ट बंगाल का। तो ये आपको याद रखने हैं, 1000वां, 2000वां, 3000वां, 4000वां, 5000वां, और अब 5500वां है महुआ मिलन, जो झारखंड में आता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड भारत की सरकार ने शुरू करे हैं। तो सबसे पहले जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड है वो कौन से स्टेट में बांटे गए? ये बांटे गए भिवानी में। और भिवानी कहाँ है? भिवानी है हरियाणा में, हरियाणा में। तो सरकार का टारगेट ये है कि हम पशु किसान क्रेडिट कार्ड देंगे किसानों को, 2021 तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें किसानों को बेसिकली ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा अगर वो एनिमल्स को खरीदना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड। ये सबसे पहले हरियाणा के भिवानी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम पलटकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम किया है सिद्धार्थनगर अभी अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इससे पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम पलट के कर दिया था अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। और जो मुगलसराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम हो गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
एंड ऑफ कोर्स अलाहाबाद का नाम प्रयागराज, तो ये चेंजेस भी किए थे और अब फाइनली नौगढ़ का नाम सिद्धार्थ नगर हो गया है। अभी अभी मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है जोजी बेनी तुंजी और ये साउथ अफ्रीका की हैं। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड और यहाँ की जो सरकार है वो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। तो जोजी बेनी तुंजी बनी है मिस यूनिवर्स। मोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट्स, ये कौन से कंट्री के बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, जिन्हें अब इंडिया यूज कर पाएगा? इंडिया ने किया है कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट, ये किया है हमने बांग्लादेश के साथ। मोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट्स को अब हम यूज कर पाएंगे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, आवामी लीग। इसरो ने कहां पे अभी अभी स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। इससे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाया था आईआईटी दिल्ली में और स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर अभी अभी बनाया है एनआईटी में। कौन सा एनआईटी है ये? इस एनआईटी को बोलते हैं एनआईटी त्रिची या एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एक ही बात है। तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में ये बनाया गया है। इनमें से सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है दुनिया की? ये प्रधानमंत्री है सना मरीन और ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और फिनलैंड की करेंसी क्या है ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। सना मरीन। एक बात और याद रखिए, दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है महातीर मोहम्मद और वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसरो ने अभी अभी एक जासूसी करने वाला सैटेलाइट छोड़ा है पीएसएलवी C48 से। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है रीसेट 2BR1, रीसेट 2BR1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहां से छोड़ा? ये छोड़ा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अब एक चीज और कर रहा है इसरो, एक नया रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना रहा है और वो बनेगा कुलाशेखरापट्टिनम में। कुलाशेखरापट्टिनम जो तमिलनाडु के थुट्टीकोडी या टूटीकोरिन जिले में है। और टूरिज्म से रिलेटेड आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। मैंने आपको ये तो बताया था उत्तराखंड मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है, गोवा और मध्य प्रदेश है एडवेंचर टूरिज्म के लिए बेस्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश को इंडिया का बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला है, यानी पूरे इंडिया का बेस्ट टूरिज्म है आंध्र प्रदेश में। IRCTC ये गोल्डन चैरियट ट्रेन अब से चलाएगी, अभी तक कर्नाटका की रेलवे चलाता था इसे, लेकिन अब चलाएगी IRCTC। IRCTC जो है ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन भी चला रहे हैं जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, जो चलती है दिल्ली से लखनऊ। और इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट अभी अभी इसका आयोजन किया गया था इम्फाल में। और तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट यहां पर आए 2018 में तमिलनाडु में। भारत की क्या रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है नाइन्थ। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सेटिस्फैक्टरी काम नहीं किया। और फोर्थ नंबर पे इस पे है स्वीडन, स्वीडन। और ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स COP25 जो हुआ है, 25वां मीटिंग हुआ है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो सबमिट हुआ है मैड्रिड में, वहां पे अनाउंस किया गया था। इनमें से गोल्डन टारगेट अवार्ड किसे मिला है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, ISSF के द्वारा। ISSF का हेडक्वार्टर म्यूनिक में है। ये मिला है एना वनिल वाला रिवन को, सौरभ चौधरी को और दिव्यांश सिंह पनवर। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों को मिला है ये। और यहां पे आप ये भी याद रखिए, ISSF का वर्ल्ड कप हुआ था अभी, उसमें 3 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। एक तो जीता है एला वलील वाला रिवन ने, एक जीता है दिव्यांग सिंह पनवर ने और तीसरा जीता है मन्नू भाकर ने। 3 गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप में मिले हैं इंडिया को, एला वनिल वाला रिवन, दिव्यांग सिंह पनवर और मन्नू भाकर। और अगर पूछे गोल्डन टारगेट अवार्ड तो बस उसमें मन्नू भाकर की जगह आप डाल देना सौरभ चौधरी, तो आंसर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 129। लास्ट ईयर था 130, इस साल हमने एक पोजीशन से इंप्रूव किया है। और नंबर 1 कंट्री है इसमें नॉर्वे, नंबर 2 है स्विट्जरलैंड। तो नंबर 1 तो जरूर याद रखिए नॉर्वे। इंडियन एयरफोर्स ने अभी डिसाइड किया है कि जो रफाल हम लड़ाकू विमान खरीदेंगे उसमें जो टेल नंबर होगा वो किससे स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा BS से। BS से इसलिए क्योंकि पूर्व चीफ थे एयरफोर्स के BS धनुआ, एयर चीफ मार्शल BS धनुआ थे पहले, अभी हैं RKS भदौरिया।
तो बीएस धनोआ को सम्मानित करने के लिए रफाल का जो टेल नंबर होगा वो स्टार्ट होगा बीएस से। और एक बात याद रखिए, जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है रफाल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, उनका जो नंबर है वो स्टार्ट होगा आर बी से, क्योंकि इनका नाम है आर के एस भदौरिया। तो आर और बी, आर के एस भदौरिया, आर बी से स्टार्ट होगा अभी जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, जो चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनको सम्मानित करने के लिए। और इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर को। रफाल हमने खरीदा है फ्रांस से, और फ्रांस से ही हमने मिसाइल खरीदी है मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल। कौन सा स्टेट है जिसने फ्री लैपटॉप माटे बीजू सशक्तिकरण योजना चला रखी है? बीजू सशक्तिकरण योजना ओडिशा ने चला रखी है, और बीजू पटनायक जो हैं, अभी जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनके फादर थे। ओडिशा में सिमलीपल और सतकोसिया दो टाइगर रिजर्व हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, और यहाँ पे भारत का एकमात्र ब्लू फ्लैग बीच चंद्रभाग बीच, वो भी ओडिशा में है। ओडिशा की सरकार की कई स्कीम है, जैसे कालिया, जैसे पीठा, जैसे अबध, जैसे सूरज अवार्ड शुरू करे हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए ओडिशा ने, मधु ऐप लॉन्च करी है, ई लर्निंग ऐप। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। द्राज ब्रिज, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी ब्रिज, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ और किसने किया, ये भी पूछेंगे। इसका इनॉग्रेशन करा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने, गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये बना है राजौरी में। तो आंसर है राजौरी। दो तीन ब्रिज और याद रखिए, जम्मू कश्मीर में एक बना है उज ब्रिज, इसका इनॉग्रेशन किया था राजनाथ सिंह ने, ये बना है कठुआ में। दूसरा ब्रिज है बसंतर, बसंतर ब्रिज बना है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और इसका इनॉग्रेशन भी किया था राजनाथ सिंह ने। एक ब्रिज है अरुणाचल में बना है, जिसका नाम है सिसेरी ब्रिज, इसका इनॉग्रेशन भी राजनाथ सिंह ने किया है। और चौथा है कर्नल रिंचेन, चेवांग रिंचेन सेतु, जो बना है लद्दाख में, इसका इनॉग्रेशन भी किया राजनाथ सिंह ने। ठीक है, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, सिसेरी ब्रिज, उज ब्रिज और बसंतर ब्रिज। इनमें से जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो ये चेक करती है कि खिलाड़ियों ने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं किया, ड्रग्स तो नहीं लिए परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी। अभी अभी एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड वॉल्केनो। कहां पे इरप्ट हुआ? ये इरप्ट हुआ न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में हुआ था आतंकवादी हमला, आपको याद होगा क्राइस्टचर्च शहर था, कैपिटल है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन, जैकिंडा आर्डन। और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में सेकंड फिनिश किया था, फाइनल हार गया था इंग्लैंड से, इसके कैप्टन केन विलियमसन बने थे मैन ऑफ द सीरीज, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक दो वोल्केनो और याद रख सकते हैं आप, जैसे इटली के पूछते हैं, इटली में तीन वोल्केनो हैं, एक तो माउंट एटना, दूसरा है माउंट वेसुवियस, और तीसरा है माउंट स्ट्रोम्बोलाई, माउंट स्ट्रोम्बोलाई। 54th डीजीपी और आईजी जो होते हैं पुलिस में, सबसे ऊंची पोस्ट होती है डीजीपी और आईजी, इनकी कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? यानी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी पुणे में। पुणे में दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए थे, याद रखिए पुणे में हुए थे, और भारत और श्रीलंका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई थी मित्र शक्ति, वो भी पुणे में हुई थी, मित्र शक्ति। एक सैटेलाइट है ड्यूकी फैट थ्री, ड्यूकी फैट थ्री को कौन से स्कूल के बच्चों ने बनाया है, कौन से कंट्री के स्कूल के बच्चों ने बनाया है? ये इसराइल के जो स्कूल हैं वहां पे पढ़ने वाले बच्चों ने ये बनाई ड्यूकी फैट थ्री, और ये सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च करी है श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-48 में। रीसेट बीआर जो वन थी उसके अलावा ड्यूकी फैट भी हमने लॉन्च की है, तो इंडिया ने लॉन्च की है ये, और सिर्फ 17-18 साल के बच्चे हैं जिन्होंने ये बनाई है, इसराइल के बच्चे। ट्राइफेड जो इंडियन ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे जो आदिवासी लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी मार्केटिंग करता है ट्राइफेड, इन्होंने अपना चीफ डिजाइन कंसल्टेंट किसे बनाया है? ये है रितु बैरी, फेमस फैशन डिजाइनर रितु बैरी। सी सुगंध राजा राम, ये भारत के कौन से कंट्री में हाई कमिश्नर बने हैं, राजदूत बने हैं? हाई कमिश्नर को हिंदी में बोलते हैं उच्चायुक्त, एक ही बात है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर वर्ड हम यूज करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री में, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में यूज करते हैं एम्बेसडर। तो ये बने हैं घाना में इंडिया के हाई कमिश्नर, घाना की कैपिटल है आकरा, और ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हैं जो आपको याद रखने हैं। नेपाल में है मंजीव सिंह पुरी, अमेरिका में है हर्षवर्धन श्रृंगला, पाकिस्तान में अजय बिसरिया, चाइना में विक्रम मिश्री, श्रीलंका में तरनजीत सिंह संधु, बांग्लादेश में रीवा गांगुली दास, भूटान में रुचिरा कंबोज, यूएई में पवन कपूर, यूनाइटेड किंगडम में रुचि घनश्याम।
बायो एशिया 2020 कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में होगा, इसमें पार्टनर कंट्री कौन सा होगा? तो एक तो ये याद रखिए हैदराबाद में होगा, पार्टनर कंट्री होगा स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ने रॉजर फेडरर के सम्मान में अभी अभी कॉइन बनाया है, ये पहले लिविंग व्यक्ति हैं जिनके सम्मान में कॉइन छपा है। कौन सी कंपनी है जिसे यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी में? इंडिया की कंपनी है, इसका नाम है इंफोसिस। कौन सी कंपनी ने इंडिया में अपना एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है माई क्रेडिट? माई क्रेडिट की मदद से आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, तो लिमिट है 1 लाख, ये बनाया है शियाओमी ने। और चाइना की एक कंपनी है हुआवी, हुआवी कंपनी ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है हारमनी ओएस। अभी अभी पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान, और सलमान खान भारत पे मोबाइल ऐप के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत पे को फोन पे से कंफ्यूज मत करना, फोन पे के हैं आमिर खान। प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील छेत्री। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने मॉन्यूमेंट को आइडेंटिफाई करा है मस्ट सी मॉन्यूमेंट? टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ये है 138। टोटल मॉन्यूमेंट जिनकी संख्या है वो है 138। एक बात और, अभी अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश का मॉन्यूमेंट है चौखंडी स्तूप है वाराणसी, सारनाथ वाराणसी, तो चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक यानी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट, उसने कहां से उड़ान भरी? ये बिजली से चलने वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, इसने उड़ान भरी कनाडा के वैंकूवर से। दोनों याद रखिए, सिटी का नाम भी और कंट्री है कनाडा। और कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है वहां पे हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, वहां के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी पार्टी है लिबरल पार्टी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका रिबेलियन मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा कहां पे, यानी उसकी आधारशिला रखी कहां पे? ये रखी ओडिशा में, तो ओडिशा में रखी गई क्योंकि पाइका विद्रोह, पाइका रिबेलियन जो था ये 1817 में हुआ था। 1857 जो हम मानते हैं पहली फ्रीडम स्ट्रगल थी, ये नहीं थी, 1817 वाली थी। तो 40 साल पहले 1857 से एक ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था ओडिशा में, तो ओडिशा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा पाइका रिबेलियन मेमोरियल, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? पर्सन ऑफ द ईयर है ग्रेटा थनबर्ग। इनकी वो स्पीच याद है, हाउ डेयर यू, वो स्पीच कहां हुई थी? वो स्पीच हुई थी क्लाइमेट एक्शन समिट में, क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में हुआ था। ये स्वीडन की है और इन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी मिला है डिविना मलूम के साथ। डिविना मलूम है कैमरून की। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी कहां पे है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है नई दिल्ली में। तो अभी अभी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है संस्कृत की नई, इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। एक तो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो भी नई दिल्ली में है, और ये भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, और एक है तिरुपति में, जो तिरुपति में है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो एक बात याद रखिए, महाराष्ट्र के पुणे में एक यूनिवर्सिटी है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये कतर में अपना कैंपस खोलने वाली है। और एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी जो है ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसे A+ का ग्रेड मिला है NAAC के द्वारा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा। स्वीडन की गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, इसने एक डायरिया के लिए वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है एटवैक्स। हरदीप सिंह पुरी जो है हमारे मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उन्होंने गुरु नानक चेयर का इनॉग्रेशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, गुरु नानक पीठ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक आर्टिफिशियल लीफ बनाई है जो फोटोसिंथेसिस करके सिन गैस बना सकती है, और दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बन रही है UAE में। कितने कंट्री हैं जिन्होंने क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस को ज्वाइन किया है? ये नया संगठन बना है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, इसको 73 कंट्रीज ने ज्वाइन किया COP25 जो मैड्रिड स्पेन में हुआ था। एक बात और याद रखिए, यूरोपियन यूनियन का टारगेट ये है कि वो क्लाइमेट न्यूट्रल यानी कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं 2050 तक, लेकिन पोलैंड इससे एग्री नहीं करता, तो पोलैंड ने मना कर दिया है कि वो इस चीज से एग्री नहीं करता।
बाकी यूरोपियन यूनियन का टारगेट है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। दिशा बिल कौन से राज्य ने पास करा है, इसमें जो रेप का अगर कोई केस हो जाता है तो 21 डेज के अंदर फैसला आ जाएगा, यह पास करा है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फिक्की के द्वारा किसे मिला है, मेल और फीमेल दोनों बताने हैं। फीमेल है रानी रामपाल जो हॉकी खेलती हैं, महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी टीम के कोच हैं जोआर्ड मरिजने, भारत की महिला हॉकी टीम के कोच जोआर्ड मरिजने। और महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2022 में, जिसका आयोजन करेगा स्पेन और नेदरलैंड, स्पेन और नेदरलैंड में होगा। और पुरुषों का होगा 2023 में ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो रानी रामपाल का गोल है जिसकी वजह से इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई कर गई ओलंपिक्स के लिए, वरना हम बाहर हो जाते। और अगर पुरुषों की बात करें तो सौरभ चौधरी जो शूटर है, पिस्टल शूटर सौरभ चौधरी को मिला है मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ला लीगा, स्पेनिश फुटबॉल लीग को बोलते हैं ला लीगा, तो उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है इंडिया के लिए, उन्होंने बनाया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा जुराबों की कंपनी है ट्रू सॉक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहां पे होगा, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, वहां पे होगा। हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला जागा मिशन के लिए, जागा मिशन है बेरोजगारों को घर देना, जो बेघर हैं उन्हें घर देना, ये स्कीम चला रखी है ओडिशा ने जिसका नाम है जागा मिशन। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी। WTA फीमेल जो प्लेयर ऑफ द ईयर है टेनिस प्लेयर वो है एशले बार्टी, और एशले बार्टी है ऑस्ट्रेलिया की, एशले बार्टी है ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 2019 में। और मिस वर्ल्ड कौन बना है, मिस यूनिवर्स तो आपको बता दिया था जोजे बेनी टुंजी साउथ अफ्रीका की, मिस वर्ल्ड बनी है जमैका की टोनी एन सिंह, जमैका की टोनी एन सिंह। अभी अभी मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया, कौन से यूनिवर्सिटी में, वर्चुअल पुलिस स्टेशन बना है आंध्र यूनिवर्सिटी में, आंध्र यूनिवर्सिटी। और एक बात और याद रखिए, भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट कहां पे बना है, वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट हुआ फरीदाबाद में हरियाणा में, और इसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसने शुरू किया, वर्चुअल कोर्ट फरीदाबाद। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अपना ऐप बनाया है जिसका नाम है ऑडिबल सुनो, ऑडिबल सुनो को बनाया है अभी अमेजॉन ने, अमेजॉन। बोरिस जॉनसन ये यूके के ब्रिटेन के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इनकी पार्टी क्या है, इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, इन्होंने लेबर पार्टी को हराया, तो मेन ऑपोजिशन पार्टी है लेबर पार्टी। इसके लीडर थे जेरेमी कॉर्बेन, लेकिन ये नहीं जीत पाई पार्टी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के अध्यक्ष पद से, तो कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई है। इनर लाइन परमिट भारत में अब कौन से स्टेट में लग गया है, भारत के तीन स्टेट्स में है इनर लाइन परमिट पहले से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। यानी इन स्टेट्स में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। अब मणिपुर में भी लग गया है, तो मणिपुर भी अब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। इनमें से कौन सा स्पेस एजेंसी है जो अपना मिशन लॉन्च कर रहा है मार्स 2020, मार्स 2020 मिशन है नासा का, नासा मंगल ग्रह पे मिशन कर रहा है। और एक बात और याद रखिए, इससे पहले नासा मार्स पे क्यूरियोसिटी रोवर भी भेज चुका है, क्यूरियोसिटी रोवर, ये भी मार्स मिशन था इनका। और नासा चांद पे भेज रहा है अपना मिशन, आर्टिमिस नाम है मिशन का, 2024 में, 2024। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आ गई है, इसमें भारत में सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट कहां पे है, यानी ऐसे लोग जिन्हें वास्तव में नौकरी पे रखा जा सकता है क्योंकि वो इस योग्य हैं, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र था इसमें नंबर वन, और तमिलनाडु इसमें था नंबर टू, तमिलनाडु था नंबर टू। अगर मैं, ये तो स्टेट्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं सिटीज की बात करूं तो सिटीज में मुंबई था नंबर वन और हैदराबाद था नंबर टू। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं समृद्धि कॉरिडोर, समृद्धि कॉरिडोर है मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, इसका नाम अब हो जाएगा बाला साहेब ठाकरे के नाम पर, जो शिवसेना के फाउंडर थे बाला साहेब ठाकरे, उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, ये होगी मार्च 2020 में, ये कंट्री है इंडिया, तो याद रखिए इंडिया में होगा 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस।
और इंडिया में G20 समिट भी होगा 2022 में, इंडिया में इंटरपोल का मीटिंग भी होगा 2022 में, इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में, क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 में। तो काफी सारी चीजें हैं जो इंडिया आयोजित आजकल कर रहा है। कौन सा स्टेट है जिसने दो सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करी हैं? एक है विजय अमृतम और एक है सहचारी। विजय अमृतम और सहचारी, इसमें जो दिव्यांग लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग और NSS, NCC या स्टूडेंट पुलिस कैडेट के लोग जो हैं उनका वेलफेयर होगा। तो विजय अमृतम स्कीम में उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एग्जाम्स में, डिग्री कॉलेज में, पीजी कॉलेज वगैरह में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। सहचारी स्कीम में क्या है? सहचारी स्कीम में जिनकी 40% से ज्यादा अपंगता है उन्हें भी स्टडीज में हेल्प की जाएगी। तो ये दोनों स्कीम स्टार्ट करी है केरला ने। केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। पुलिस डिपार्टमेंट कौन से राज्य का है जिसने एक बारकोडिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है जिसका नाम है त्राकिया? त्राकिया को लॉन्च किया है अभी हरियाणा की पुलिस ने। सो आंसर है हरियाणा। और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में काम आएगा। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है इस सॉफ्टवेयर में आप लॉक कर देंगे तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया था दिव्यांग लोगों के लिए, उसकी डेडलाइन क्या रखी है? तो डेडलाइन जो पहले थी अब उसको बढ़ा दिया है। नई डेडलाइन है मार्च 2020 एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है? भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं विपिन सोंधी। ये ऑटोमोबाइल कंपनी है अशोक लेलैंड, मैक्सिमम ये ट्रक्स वगैरह बनाती है। कौन सा शहर है जहां पे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल ये इस बार चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर। सो आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक लेक भी है जिसे बोलते हैं सुखना लेक, और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी है जो वेस्टेज से बना है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे बना है रॉक गार्डन, तो चंडीगढ़ से है। और चंडीगढ़ से जो लोकसभा MP है वो है किरण खेर। सो ये था हमारा 300 बेस्ट दिसंबर के क्वेश्चंस का पार्ट 2। ये वीडियो बाइलिंगुअल था, ये प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी में भी अवेलेबल होगा। इसका अच्छे से रिविजन करिए और इसमें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए आप जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए। भाग 3 लेकर मैं आऊंगा 22 तारीख को और भाग 4 आएगा 31 दिसंबर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।